जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी का जो एग्जाम हुआ है आज की डेट में 10/12/2017 में, उसी क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझको नहीं मिल पाए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 में कहां हुआ था। दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 में कहां हुआ था, तो दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 में इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम क्या है, तो होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जय सहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है, जय सहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है, तो जय सहिता को बेहतर महाभारत के रूप में जाना जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विज्ञान की वह शाखा जो मृदा जल फसल से संबंधित है, तो विज्ञान की वह शाखा जो मृदा जल और फसल से संबंधित है तो वो है मृदा विज्ञान। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP कितनी थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति आज जो GDP थी वो कितनी थी, तो विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP थी 7%। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, उन शब्द को क्या कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि दो स्वरों के मेल से कौन सी संधि बनती है, कि दो स्वरों के मेल से कौन सी संधि बनती है, हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में समास भी पूछे जा रहे हैं, संधियां भी पूछी जा रही, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची भी सब पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन सब पे अच्छे तरह से फोकस करिए और तैयार कर लीजिए इन चीजों को जो मैं आप लोग बता रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दो स्वरों के मेल से कौन सी संधि बनती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए हिंदी के सेक्शन से क्या पूछा जा रहा है, हिंदी के सेक्शन से मुहावरे शब्द भी पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग संधि पे और मुहावरे पे विलोम शब्द पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, और हो सके तो आप लोग समास पे ज्यादा फोकस और कर लेना, समास भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि 9-2-11 होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कि 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना, 9-2-11 होना भाग जाना, इसका आंसर ये होगा भाग जाना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि पक्षपात का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द भी पूछे जा रहे हैं कि पक्षपात का विलोम क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपनी राय रखिए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक प्रश्न पूछा गया कि बैक स्पेस की से आया आउटपुट डिवाइस, सॉरी एक प्रश्न आया था बैक स्पेस की से एक प्रश्न आया था और एक प्रश्न आया था आउटपुट डिवाइस से संबंधित, एक प्रश्न पूछा गया था आउटपुट डिवाइस से संबंधित एक प्रश्न आया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि लॉगिन करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, लॉगिन करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो आपको जाहिर सी बात पता ही होगी, एक क्वेश्चन का आंसर काफी इजी क्वेश्चन है, तो लॉगिन करने के लिए यूजर नेम की आवश्यकता पड़ती है और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक में भारत की दर क्या है, तो जाहिर सी बात है काफी इजी क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत की दर जो है वो है 0.624, काफी इजी क्वेश्चन ये भी आया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि
आठवीं व बारहवीं सदी के मंदिरों सॉरी आठवीं व बारहवीं सदी के मंदिर मुरैना में कहाँ है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आठवीं व बारहवीं सदी के मंदिर मुरैना में कहाँ है? तो आठवीं सदी व बारहवीं सदी के मंदिर मुरैना में ग्वालियर में है। काफी इजी क्वेश्चन ये भी था। आज का क्वेश्चन पेपर जो आया था एमपी पटवारी का, काफी इजी पेपर था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एम्पल द्वारा जनरेटेड ब्राउजर कौन सा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एम्पल द्वारा जनरेटेड ब्राउजर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, कल 9 तारीख के पेपर में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सतना में गोल गोल मठ कहाँ है? ये कल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सतना में गोल मठ कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि जय सीता को रामायण में क्या कहा जाता है? एक प्रश्न ये पूछा गया कि जय सीता को रामायण में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली जो नदी है वो है चंबल नदी। काफी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन आया था। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं वह किसके द्वारा किए गए हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं वह किसके द्वारा किए गए हैं? तो भारत में जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं वह शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि खेल मंत्री कौन बने हैं? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को पता होगा। तो खेल मंत्री जो बने हैं वो बने हैं राजवर्धन सिंह राठौर जी, राजवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी पूछा गया था कि एमपी में कागज कारखाना कहाँ स्थित है? कि मध्य प्रदेश में कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कागज का कारखाना होशंगाबाद नेपा नगर में स्थित है। काफी इजी क्वेश्चन ये भी था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होंगे? कि शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2017 खेल किस नगर में आयोजित हुए थे? कि 2017 खेल किस नगर में आयोजित हुए थे? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मुरैना में 22 मंदिरों का समूह किस जगह पर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मुरैना में 22 मंदिरों का समूह किस जगह पर है? तो मुरैना में 22 मंदिरों का समूह ग्वालियर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लोक सेवा रोजगार गारंटी किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लोक सेवा रोजगार गारंटी किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि बेलूर मठ कहां पर है? तो बेलूर मठ है जो कोलकाता में है। काफी इजी क्वेश्चन ये भी था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके 4 ऑप्शन होंगे कि निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल है? निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल है? आपके ऑप्शन है ए कपास, बी गन्ना, सी तंबाकू, डी जूट। इन 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना है, उसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? सॉरी, वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? मैं आपसे लोगों से क्षमा चाहूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग किया जाता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन यह भी था, काफी अच्छा पेपर था आज का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था कि 2019 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? काफी इजी क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि 2019 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी आंध्र प्रदेश कर रहा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एग्रोनॉमी किससे संबंधित है?
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एग्रोनॉमी जो संबंधित है वो कृषि से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन ये भी था। आज का पेपर इतना हार्ड नहीं था, काफी सिंपल पेपर आया था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एसपीएस कहाँ स्थित है, तो एसपीएस होशंगाबाद में स्थित है। काफी इजी क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि गेहूं के साथ कौन सी मिश्रित फसल बोई जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गेहूं के साथ कौन सी मिश्रित फसल बोई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत कौन से समूह का सदस्य नहीं है। भारत कौन से समूह का सदस्य नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मनरेगा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ये क्वेश्चन कल वाले एग्जाम में पूछा ऑलरेडी जा चुका है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ये कल वाले पेपर में पूछा जा चुका है, जो कल की डेट में एग्जाम हुआ है 9 तारीख की डेट में, इसमें भी पूछा गया था और आज की डेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मनरेगा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एमपी में इनमें से कौन सी फसल नहीं है, एमपी में इनमें से कौन सी फसल नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपी में कौन सी फसल नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को कितना प्रीमियम देना आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को कितना प्रीमियम देना आवश्यक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बालाधार किस नदी के किनारे स्थित है, तो बालाधार जो नदी स्थित है वो पेन गंगा के नदी किनारे स्थित है, पेन गंगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आप लोगों से बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 500 के नए नोट पर कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं। तो 500 के नए नोट पर कुल 17 भाषाएं लिखी हुई हैं, कुल 17 भाषाएं लिखी हुई हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि रानी दुर्गावती कौन से जिले से संबंधित है, तो रानी दुर्गावती जबलपुर जिले से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आया है कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन कल की डेट में भी आया था और आज के भी डेट में एग्जाम की डेट में आया है। कल एमपी पटवारी के एग्जाम में 9 तारीख की डेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आया था और आज 10 तारीख के पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस जो कल के वीडियो नहीं देखे हैं एग्जाम वाले, तो बोलो अब वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, उससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन सी फ्लाइट से गई थी। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में कोलंबिया फ्लाइट से गई थी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये कल भी एमपी पटवारी के एग्जाम में 9 तारीख की डेट में पूछा गया था और आज की डेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखे नहीं है पुराने मेरे कल की डेट के एमपी पटवारी के एग्जाम की वीडियो नहीं देखे, तो वो लोग वीडियो को बराबर देखते रहिए, इससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो कल्पना चावला कोलंबिया फ्लाइट से अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन से देश ने की थी। तो दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी फिलीपींस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि होशंगाबाद कौन सी पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। तो होशंगाबाद सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आता है। काफी इजी क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। काफी इजी क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एमपी के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो एमपी के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एमपी के मुख्य न्यायाधीश है हेमंत गुप्ता जी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि लोक सेवा वितरण कानून में पहला राज्य कौन सा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लोक सेवा वितरण कानून में पहला राज्य कौन सा है। तो लोक सेवा वितरण कानून में पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।